आज पढ़ेंगे हम इस वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है वेग स्थिरांक, जिसको वेग नियतांक भी कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट और वेग कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, कई नामों से जाना जाता है। ये क्या है वेलोसिटी कांस्टेंट, क्या है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, क्या है रेट कांस्टेंट, क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, समझ लीजिए। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, अब किसी निश्चित ताप पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो रेट है, वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पर? इफेक्टिव कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब आप ध्यान दीजिए, बोल हम आपको ये समझाने जा रहे हैं, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता एक्टिव कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। क्लियर? ये बात थोड़ा आप ध्यान ले दीजिए। दूसरी बातें हम लेते हैं, माना कोई अभिक्रिया है, ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट पी में चेंज हो रहा, तो इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू c, रेट dx अपॉन dt समानुपाती ca, ca क्या है, रिएक्टेंस a की सक्रिय सांद्रता है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, एक्टिव कंसंट्रेशन। ठीक है, हमने ये समानुपाती स्थिरांक हटाया, दिया हमने क्या लगा दिया, k, एक कांस्टेंट लगा दिया। वैसे तो ये समानुपाती स्थिरांक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, परंतु इसे वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, और स्पेसिफिक रेट रिएक्शन रेट भी कहते हैं। इसके कई नाम, तीन नाम से बताया हमने, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, प्रतिक्रिया वेग और रेट कांस्टेंट। ये तीनों नामों से अलग अलग किताबों में ये लिखा जाता है, इसे आप कोई से नाम से पुकार सकते हो, इसलिए यहां के समानुपाती स्थिरांक है, जैसे वेग स्थिरांक, वेग नियतांक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग नाम से जाना जाता है। याद कर लीजिए, 12वीं के स्टूडेंट, उसमें भी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाई जाती है, नीट भी में भी आ सकता है, जेई मेन में भी आ सकता है। अब के क्या है, वेग स्थिरांक क्या है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या है, निश्चित ताप पर प्रत्येक अभिक्रिया के लिए के का मान निश्चित होता है, मतलब एक किसी भी टेम्परेचर पर कोई अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया के लिए जो वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका मान निश्चित होता है, फिक्स, मतलब निश्चित ताप पर यह किसी अभिक्रिया के लिए करैक्टरिस्टिक्स, अभिलाक्षणिक गुण, इसका मान निश्चित होता है। मान लीजिए टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है किसी अभिक्रिया का, इसका तो इसका के का मान निश्चित रहेगा, हमेशा निश्चित रहेगा, निश्चित टेम्परेचर पर के का मान निश्चित रहता है किसी अभिक्रिया के लिए। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट अभिक्रिया के लिए अभिलाक्षणिक गुण है। वेग नियतांक ताप से प्रभावित रहता है, ध्यान दीजिए, जब भी तो मैंने बताया निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट निश्चित रहता है, दूसरे ताप पर उसका दूसरा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेग नियतांक होगा, तो वेग नियतांक वेलोसिटी कांस्टेंट ताप से भी इफेक्टेड रहता है, और जो पदार्थ लिया गया, जो रिएक्टेंट लिया गया, उसकी नेचर पर भी निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। आप समझे, रेट कांस्टेंट क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या है, और आगे लीजिए एक अन्य एग्जांपल लेते हैं। मान अन्य अभिक्रिया ए और बी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट पी बना रही, ध्यान दीजिए ए और बी रिएक्टेंट प्रोडक्ट पी बना रहा है, इस अभिक्रिया का वेग क्या है, डीएक्स अपॉन डीटी,
प्रोपोर्शनल टू सी ए अपॉन सी ए एंड सी बी. सी ए रिएक्टेंट ए की सक्रिय सांद्रता, सी बी रिएक्टेंट बी की सक्रिय सांद्रता, एक्टिव कंसंट्रेशन. ठीक है, अब ये समान पद घटाएंगे तो क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, क्लियर. इसको समझाने की आवश्यकता नहीं, के क्या था ये बता चुके हम. वेलोसिटी कांस्टेंट कह लीजिए, रेट कांस्टेंट कह लीजिए, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कह लीजिए. मान लीजिए जो रिएक्टेंट्स आपने ए और बी लिए हैं उन दोनों की सांद्रता इकाई हो, यूनिट हो, दोनों की सांद्रता क्या हो, बराबर हो, इकाई हो, तब यदि सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, मतलब सी ए सी बी बराबर वन, मतलब दोनों की सांद्रता बराबर है, तब ये दोनों की सांद्रता बराबर है, यूनिटी है, इकाई है, तब डीएक्स अपॉन डीटी बराबर के होगा. मतलब इस दशा में जब रिएक्शन में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों की, सभी रिएक्टेंट की सांद्रता इकाई हो, तब अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है. क्लियर, मान लें अभिक्रिया का वेग डीएक्स अपॉन डीटी बराबर के, कब, जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी रिएक्टेंट्स की सांद्रता इकाई हो, तब उस अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बराबर होता है. डीएक्स अपॉन डीटी वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर के, जब इन दोनों इन सांद्रता इकाई हो, जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, तो अभिक्रिया वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बराबर होगा. यही परिभाषा है विशिष्ट अभिक्रिया वेग की, अर्थात अभिक्रिया वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाएगा. कब, जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों की सांद्रता कंसंट्रेशन इकाई हो, तो अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाएगा. क्लियर, तो यह था विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग स्थिरांक क्या होते हैं, ये स्टूडेंट को सबको पता होना चाहिए. केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी बहुत ही बहुत आवश्यकता है. आप कमेंट्स कीजिए, हम आपकी कमेंट्स का जवाब देंगे. आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो भी बताइए. थैंक यू वेरी मच. Bye.